आई विल बी दैट बिग सिस्टर फॉर यू ऑल और मैं आज आप लोगों के साथ बिल्कुल खुल के बात करने वाली हूँ एवरी थिंग पीरियड्स अगर आप लोगों को किसी ने सारी चीजें बताई हैं पहले तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं बताई है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है पीरियड्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट याट अनोइंग फैक्टर ऑफ फीमेल बॉडी बट क्या ही कर सकते हैं डील तो करना ही पड़ेगा बट आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वो असेंशियल शेयर करूंगी जो आप लोगों के बैक स्लैश पीरियड किट में होने ही चाहिए कि वो पांच सात दिन आपके थोड़े आसानी से निकल जाए तो चलो इफ यू वॉन्ट टू नो व्हाट ऑल आई कैरी एंड यू शुड टू कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू नो माई चैनल टेक अ अट हिट दैट सब्सक्राइब बटन नाउ विदाउट एनी फर्द ब्लॉवर इंग टू दिस सो so, ये एक पाउच uh, है जो आई डोंट नो या मुझे प्लम से आया था आई थिंक इन अ पीआर मुझे मिला था तो इसमें ही मैंने अपने सारे पीरियड एसेंशियल्स रखे हुए हैं नाउ आई डू कैरी अ पैड इन माय बैग एट ऑल टाइम्स क्योंकि मुझे या किसी और किसी को भी जरूरत पड़ सकती है बट इसको मैं अपने बैग में रख लेती हूँ मेरे पीरियड डेट से पाँच सात दिन पहले बिकॉज माई डेट फ्लक्चुएट एंड मुझे कभी भी पीरियड आ सकते हैं बट येस दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू मस्ट कैरी ताकि आपके पीरियड की जर्नी

चीज है जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको यूज करो मैं के सब कर ऑप्शन uh, आपको इनमें से जो भी चीज कंफर्टेबल लगती है आप वो अपने साथ कैरी करो सेकेंड थिंग जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी लोग अपने किट में मिस कर देते हैं विल बी एन एक्स्ट्रा अंडवेयर बिकॉज इफ यू यूज पैड्स एंड आपके पीरियड स्टार्ट हो गए इन अ पब्लिक प्लेस यू कैन नॉट स्टिक अ पैड ऑन टू द सेम अंडरवेयर सो यू नीड टू कैरी एन एक्स्ट्रा अंडरवेयर फॉर योर पीरियड्स अगर वो बाहर स्टार्ट हो गए हैं जस्ट अनहाइजीनिक टू कंटिन्यू यूजिंग दैट सेम अंडरवेयर सो डेफिनेटली कीप वन एक्स्ट्रा अंडरवेयर इन योर पीरियड किट क्योंकि वो आपको जरूर काम आएगी एंड ऑल्सो कीप लाइक अ प्लास्टिक की थैली सो दैट यू कैन कैरी बैक योर यू नो दंडर न जस्ट डिस्पोज ऑफ वाइकों से आप भी रख सकते हो बट आई दो आपको कब किस चीज की ऐसा तो है नहीं कि आपके घर पर ही स्टार्ट हो रहे हैं या ऑफिस में ही स्टार्ट हो रहे हैं या स्कूल में ही स्टार्ट हो रहे हैं मे बी योर ट्रैवलिंग एंड बीच में स्टार्ट हो गए नो सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल डिफरेंट सर्कमस्टांसेस तो अगर आपके पास और हैं तो इवन इफ यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं आपको मिल रही है मे बी यू नो अ पब्लिक रेस्ट रूम जहाँ पे पानी नहीं ठीक से आ रहा है या वॉट एवर यू हैव टिश्यूज यू हैव वेटवाइव यू कैन क्लीन योर सेल्फ अप एंड नेक्स्ट सैनिटाइजर अगेन सेल्फ एक्सप्लेनिट्री हाइजीन रीजन यू नीड अ सैनिटाइजर फॉर यू नो बिफोर एंड आफ्टर यू डू योर जॉब यू नीड अ सैनिटाइजर विद यू देन आई हैव दीज टू पैंटी लाइनर्स ये उन दिनों के लिए जब आपको मतलब सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है और मे बी अगर आपने यू नो इसमें पैड रखा है आपका पैड यूज अप हो गया बट आपने इसमें पहले से तीन चार पैंटी लाइनर्स डाले हैं तो फर्स्ट डे आपको जिस स्टार्ट ही हुआ है तो पैंटी लाइनर्स वो स्पॉटिंग के लिए इनफ होता है सो यू कैन जस्ट अप्लाई अ पेंटी लाइन एंड फिर घर आके यू कैन अप्लाई अ पैड तो ये ऐसा बैकअप के लिए भी अच्छा काम करता है और एल्स इवन ऑन एवरी डे भी आप इसको यूज कर सकते हो अगेन फॉर हाइजीन रीजन नेक्स्ट इज दिस दिस इज मेफ्टल्स पास दिस इज द पेन किलर दैट आई टेक फॉर माई पीरियड क्रैम्स ये आई डू टेक पीरियड पेन किलर्स मुझे पता है कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं लेनी चाहिए बट आई हैव कंसल्टेड अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड आई हैव कंसल्टेड टू और थ्री गायनोकोलॉजिस्ट फॉर दैट मैटर एंड उन सब ने यही बोला है दैट इट इज़ ओके इफ़ यू आर टेकिंग लाइक वन पेन किलर अ डे बट आई तो डोंट टेक इट व डे मैं अपना पूरा पाँच दिन में मैं एक ही बार लेती हूँ द फर्स्ट डे आई नीड टू टेक अ पेन किलर वरना मेरा पहला दिन नहीं कटता है सेकेंड डे से मुझे पेन नहीं होता है बिल्कुल भी क्रांप्स नहीं होते थोड़े बहुत ऊपर नीचे कभी कभार हो जाते हैं रैंडमली बट ऐसे मुझे नहीं होते बट फर्स्ट डे आई कैन लिटरली डाई ऑफ पेन मुझे इतने ज्यादा क्रैम्स होते हैं सो आई नीड टू टेक पेन किलर सो इफ यू आर ऑल्सो सम वन लाइक मी जिसको कि अनबेरेबल पीरियड क्रैम्स होते हैं यू कैन टेक मेफ्टज पेन किलर रेगुलर पेन किलर एंड इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव काफी जल्दी काम करती है मैंने आज तक इसके अलावा कोई पेन किलर नहीं लिया है एंड मैंने हमेशा एवरी मंथ आईव टेकन वन ऑफ दिस पेन किलर बट येस बीच में पे मैंने पेन किलर लेना छोड़ दिया था आई है हीट पैचेस मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी नीचे लिंक दे दूंगी अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज मैंने उनको यूज़ करना छोड़ दिया है बिकज़ uh, मैं कई बार कैरी करना भूल जाती थी एंड uh, कई बार अगर मैं कहीं बाहर हूँ वहाँ पे मुझे एक्सेस नहीं है कि कहीं पे मुझे वो हीट पैचेस मिल रहे हैं तो फिर मेरे लिए वो बहुत अनबेरेबल हो जाता था तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ मोर कन्वीनियन कि मेरे पास हमेशा एक मेपिल्स पास होती होती है इवन इफ अगर मेरे पे नहीं है तो मैं मेडिकल स्टोर से ख़रीद लेती हूँ एंड इट जस्ट वर्कस की एक पिल ली मैंने एंड देन आई एम जस्ट डन फॉर द एंटायर मंथ इफ यू वुड से सो बट येस अगर आपको नहीं लेना है तो देर आर ऑल्टरनेटिव आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ वो ऑल्टरनेटिव शेयर करूँ जो मेरे लिए वर्क करे हैं कि मैंने पेन किलर ना लेके वो चीजें करी हैं तो मेरा क्रैम्प का पेन जो है वो बेरेबल हो गया था कम हो गया था तो आई कैन शेयर दैट विद यू कॉमेंट्स में बताना बट फॉर नाउ आई जस्ट यूज अ पेन किलर सिंपल नेक्स्ट आई हैव अ परफ्यूम ऑलवेज कैरी अ परफ्यूम और अ डिओडरेंट इन योर पीरियड हॉर्मोन्स बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो चुके होते हैं पीरियड्स के टाइम पे एंड बॉडी ऑर्डर इज वेरी 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 कॉमन सो यू नीड टू स्मेल गुड सो आप डिओड्रेंट भी रख सकते हो बिकॉज पीपल गेट वेरी वेरी स्वेटी ड्यूरिंग पीरियड्स तो अगर आपके साथ भी ऐसा केस है तो कीप डिओडरेंट बट मुझे ईडी पीज ही पसंद आते हैं सो आई जस्ट कैरी वन ई डी पी एंड मुझे स्वेटिंग का उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है पीरियड्स में इट्स जस्ट दैट आई लाइक टू स्टे फ्रेश एंड यू नो आई लाइक टू स्मेल फ्रेश सो इसीलिए मैं हमेशा एक ई डी पी रखती हूँ अपने साथ सो बॉडी ऑर्डर के साथ साथ ही यू नीड टू हैव लाइक अ फ्रेश ब्रेथ वो भी प्रॉब्लम कई लोगों को आता है पीरियड्स में बट बाकी डेज में भी यू नीड टू मेनटेन लाइक गुड ओवरल हाइजीन सो दिस इज अगेन समथिंग दैट यू नीड टू हैव इन योर पीरियड किट दिस इज कोलगेट शक्ति का माउथ प्रोटेक्शन स्प्रे दिस यू नो किल द बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह वगैरह एंड दिस इज लाइक नेचुरल वो जो मिन्स वाले स्प्रे आते हैं ना आप वो भी ले सकते हो बट um, मैंने ये लिया हुआ है बिकॉज इट इज लाइक वेरी नेचुरल इसमें क्लोव स्टारनीस और ये सारे जो मसाले वसाले टाइप के होते हैं इसकी वैसी ही खुशबू है तो यू जस्ट नीड टू स्प्रे लाइक वन और टू स्प्रेज एंड यूर गुड टू गो एंड इट डज फील वेरी फ्रेश इन साइड यूर माउथ नेक्स्ट अ लिबम मैं कोई भी वॉशन मैं बैक करूंगी उसमें एक लिप बाम जरूर जरूर होगा बिकॉज यू नीड टू हैव अ लिप बाम लाइक यूर अ गर्ल यू नीड टू हैव अ लिप बाम एंड हाउ मेनी लिप बाम्स आर टू मेनी लिप बाम्स राइट बट पीरियड किट में ये इसलिए जरूरी है बिकॉज पीरियड्स के टाइम पे आपके लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं ऑब्वियसली आपको इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है एंड बहुत लोगों के ना खाने पीने की इच्छा भी मर जाती है उस टाइम पे तो उसके वजह से भी कम पानी पी रहे हैं इतना ब्लड लॉस हो रहा है तो लिप्स गेट तो वेरी ड्राई एंड चैप्ड सो यू

अ स्नैक बार और फ्रेश फ्रूट्स का डब्बा इन योर बैग ऑब्वियसली अब मैं इसमें तो नहीं रखूंगी ना दैट विल बी वेरी इम्प्रैक्टिकल क्योंकि इसको मैं रोज तो कैरी कर नहीं रही एंड जब कैरी करूँगी तब तक वो सारे फ्रूट्स साड़ जाएंगे इसमें रखे रखे बट येस ऑलवेज कैरी स्नैक बार या फिर फ्रूट फ्रेश फ्रूट्स क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पीरियड्स के टाइम पर काफी लड़कियों की इच्छा खत्म हो जाती है खाना खाने की तो बहुत कम खाना हम लोग वैसे भी खा रहे होते हैं बट वैन यू फील हंगड़ी और वैन है यू गेट टाइम जस्ट हैव फ्रूट्स जस्ट हैव अ प्रोटीन बार अ स्नैक बार वॉट एवर यू हैव इन हैंड डो नॉट स्टे हंगरी, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि खाली पेट मेरे क्राम ज़्यादा होते हैं सो so, अगर आपको भी ऐसा होता है तो जस्ट ट्राई हैविंग फ्रूट्स हियर एंड देयर एंड ऑल्सो इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है उसके लिए भी वो कवर अप करेगा एंड प्लस आपकी स्किन आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी ऑलवेज ड्रिंक अलॉट ऑफ वॉटर वैल यूर ऑन योर पीरियड्स दट इज वॉट आई डू मैं पीरियड हूँ चाहे ना हो मैं हमेशा ही पानी अच्छे खासा पीती हूँ सो या दीज वैट यू नीड टू हैव इन योर पीरियड किट इसके साथ मेरी किट खत्म हो गई मैंने वापस पैक करके भी रख दी सो येस आई होप आप लोगो को आज का वीडियो अच्छा लगा हो मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताना की आप लोगों को इस टाइप के वीडियो कैसे लगते हैं और, और कौन से वीडियोज देखने में आप लोग इंटरेस्टेड हो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा हो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई शेल Super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.